नमस्कार दोस्तों, मैं केसी साहू सर आप सबका स्वागत करता हूं आपका ही अपना चैनल केसी सर के क्लासेस में। आइए दोस्तों, आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे, विद्युत क्षेत्र। ये इस पूरे पाठ की जान है। यदि आपको विद्युत क्षेत्र समझ आ गया तो इस पाठ में जितने सारे व्यंजक आएंगे वो बहुत ही आसानी से समझ आएगा। तो आज का वीडियो बहुत सावधानी से देखिएगा, क्योंकि हम जब विद्युत क्षेत्र के बारे में जानेंगे तभी तो विभिन्न क्षेत्रों के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल पाएंगे। तो आइए हम ये देखते हैं कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसे कहते हैं। तो इससे पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि ये विद्युत क्षेत्र क्या होता है ना। तो मान ले जाए कोई आवेश है ना, कोई विद्युत आवेश है जिसको हमने किसी क्षेत्र पर रख दिया है। मान लो जाए कि यहां पर कोई आवेश है, तो ये आवेश जो है अपने चारों ओर, ध्यान दीजिएगा, कोई भी आवेश को हम किसी स्वतंत्र क्षेत्र पर रखते हैं, इस क्षेत्र पर रखेंगे तो ये जो है अपने चारों ओर का वह क्षेत्र, मान ले जाए इतना क्षेत्र है, अपने चारों ओर का वह क्षेत्र जहां पर एक क्षेत्र का निर्माण कर देता है ना, जिसको हम विद्युत क्षेत्र कहेंगे। ऐसा क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसके निश्चित दूरी पर जब हम किसी अन्य आवेश को रखेंगे तब ही वो उस पर क्या करेगा, अपना प्रभाव दर्शाएगा। मतलब हम कहीं पे भी, चलो यहां पर कोई आवेश रखते हैं तो इतने दूर तक वो प्रभाव नहीं दर्शाएगा, तो जितने दूर तक वो अपना प्रभाव दर्शा सकता है, मतलब कोई भी आवेश अपने चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक अपना प्रभाव दर्शा सकता है वही उसका क्या कहलाता है, विद्युत क्षेत्र कहलाता है। तो ये तो हो गया विद्युत क्षेत्र। तो आइए अब हम देखते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ये पूरा पाठ में इसी का उपयोग होना है ना। तो देखते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसे कहते हैं। तो आइए दोस्तों हम ये देखते हैं कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसे कहते हैं। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए क्या होगा, मान ले जाए विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर, ध्यान दीजिएगा, मान ले जाए हमने कोई ऐसा विद्युत क्षेत्र बनाया, यहां पर एक विद्युत क्षेत्र है, ठीक है, इस विद्युत क्षेत्र के किसी भी बिंदु पर कोई परीक्षण आवेश की जीरो रखा है, तो ये परीक्षण आवेश जो है जितने बल का अनुभव करेगा, ध्यान दीजिएगा, मतलब ये एक प्रकार का एकांक आवेश कहा जाता है इसको, तो ये एकांक आवेश जो है इस क्षेत्र पर रखा है और इस पर और अन्य आवेश रखा है भाई, क्योंकि ये हमारा परीक्षण आवेश है, तो परीक्षण आवेश जो है जितने बल का अनुभव करता है उसे ही क्या बोला जाता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसका मतलब ये हो गया कि विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर यदि कोई परीक्षण आवेश रखा हुआ है तो वह परीक्षण आवेश जितने बल का अनुभव करता है वही उसका क्या कहलाता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। तो आइए इसको हम एक परिभाषा के रूप में और एक सूत्र के रूप में निकालते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो उसी को देखते हैं। तो इसके लिए माना कि विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर एक आवेश है जिसको हम बोलेंगे एकांक आवेश, ठीक है, एकांक आवेश की जीरो है ना, जो कितने बल का, जो इतने बल F बल का अनुभव करता है, करता है, तो ये जितने बल का अनुभव करेगा वही उसका क्या कहलाता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो यहां पर हम लिख सकते हैं, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगा, अब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को किससे दर्शाते हैं जी, हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को E से दर्शाते हैं, है ना, क्योंकि हम वेक्टर रूप में दर्शाना चाहें तो इस प्रकार दर्शा सकते हैं। अब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होता है, वह जितने बल का अनुभव करता है, तो एकांक आवेश, तो ध्यान दीजिएगा एकांक आवेश जो है जितने बल का अनुभव करता है, तो ये क्या हो गया, उसका सूत्र हो गया, अर्थात कोई भी आवेश, एकांक आवेश जो किसी विद्युत क्षेत्र पर रखा है और वो जितने बल का अनुभव करेगा उसे ही उसका क्या कहा जाता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और इसको इसे दर्शाते हैं, उसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं। अब इनका हमें क्या निकालना होगा, मात्रक निकालना होगा, ध्यान दीजिएगा फिजिक्स में किसी भी जो सूत्र निकालते हैं उनके मात्रक आपको हमेशा याद होने चाहिए। और एक बात और बता दूं, मात्रक को रटने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, यदि आपको मात्रक को याद करना है तो उनके अलग अलग मात्रक याद होने चाहिए, उनका यदि अलग अलग विमीय सूत्र याद है
तो हम बहुत ही आसानी से उनका विमीय सूत्र भी निकाल सकते हैं। उसी प्रकार यदि उनका अलग अलग मात्रक याद हो तो हम उनका मात्रक भी बहुत आसानी से क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो आइए इनके हम क्या करते हैं, मात्रक निकालते हैं। तो इनका मात्रक क्या होता है जी, बल का मात्रक होता है न्यूटन, ठीक है, और इसका मात्रक कितना होता है, इसका मात्रक होता है कूलम्ब। तो ये बहुत आसानी से इनके मात्रक हम निकाल सकते हैं। इसका मतलब इसका मात्रक को हम क्या लिख सकते हैं, न्यूटन, इसको प्रति पढ़ा जाता है, तो इसका मात्रक क्या हो गया, न्यूटन प्रति कूलम्ब। इसको आप इस प्रकार भी लिख सकते हैं, जैसे न्यूटन प्रति कूलम्ब। ये सब एक ही है, लिखने के अलग अलग तरीके होते हैं, या तो इसको इन्वर्स में भी बदल सकते हैं, या फिर इसको इस प्रकार भी लिखा जाता है, एन सी का इन्वर्स, मतलब न्यूटन प्रति कूलम्ब इन्वर्स, है ना। अब इनके यदि हमें क्या निकालना हो, विमीय सूत्र निकालना हो, इसका विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का क्या निकालना है, विमीय सूत्र, तो ये भी बहुत ही आसान तरीके से निकल जाता है। तो इसका विमीय सूत्र कितना होगा जी, तो ये देखिए ई का हम यदि विमीय सूत्र निकालना चाहें तो पहले बल का निकालेंगे और नीचे में किसका निकालेंगे, आवेश का निकालेंगे। तो ये देखो ये बल है ऊपर में और नीचे में क्या है, आवेश है। बल का कितना होता है जी, विमीय सूत्र ये होता है एम एल टी माइनस टू, और इसका कितना होता है, इसका होता है एम्पियर सेकंड। अब देखिए ये जो है क्या होगा, ध्यान दीजिए ये टी है ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा। इसका मतलब इसका पूरा जो विमीय सूत्र है वो क्या हो जाएगा, एम एल टी माइनस थ्री हो जाएगा, और एम्पियर भी क्या हो जाएगा, इन्वर्स में हो जाएगा। तो इस प्रकार हम इनका बहुत ही सरल तरीके से विमीय सूत्र को भी निकाल सकते हैं। तो देखिए हमें किसी भी प्रकार के विमीय सूत्र को और ना ही इनके जो मात्रक होते हैं उनको याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ी। तो आप लोग क्या करिए, इनके अलग अलग विमीय सूत्र जरूर याद रखा करें और इनके जो मात्रक हैं वो भी याद रखें। कक्षा 11वीं में बहुत सरल तरीके से ये सब सिखाया गया है। यहां पर इस बात का विशेष ध्यान रखिए दोस्तों, ये जो है सदिश राशि है, यहां पर सदिश लगा देना था, ये जो है सदिश राशि है इसको हम अदिश रूप में भी लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। तो इसका अदिश फॉर्म क्या होगा, यहां पर इसका अदिश रूप इस प्रकार का हो जाएगा, E बराबर एफ क्यू जीरो। ध्यान दीजिएगा इसके आधार पर आप विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को परिभाषित भी कर सकते हैं। कैसे परिभाषित कर सकते हैं, किसी भी बिंदु पर लगने वाला जो बल होता है वो उस परिच्छन आवेश के अनुपात के बराबर होता है। तो इस प्रकार हम इसका परिभाषा भी बना सकते हैं। और एक बात बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है जो हमेशा पूछे जाते हैं कि यहां पर देखिए ये जो हमने विद्युत क्षेत्र लिखा हुआ है इसमें दो चीजें होती है ना, जैसे दो आवेश की बात किया था मैंने, एक आवेश होता है जो एक विद्युत क्षेत्र का निर्माण करता है, ठीक है, और एक आवेश होता है जो इसी विद्युत क्षेत्र के अंदर कहीं पर भी क्या होता है, स्थित होता है, जो जितने बल का अनुभव करता है। तो कहने का मतलब क्या है, हमारे पास दो प्रकार के आवेश हो गए, एक आवेश जो क्या करेगा, विद्युत क्षेत्र का निर्माण करेगा, और एक आवेश क्या है, उसी के कारण बल का अनुभव करता है। तो कहने का मतलब क्या है, ये जो आवेश होगा है ना, जिसको हम सोर्स आवेश बोलेंगे, ये सोर्स चार्ज कहलाता है। इसका मतलब जी स्रोत आवेश जो होता है वो वृहद हो सकता है, मतलब इनकी मात्रा अधिक होगी, और ये कम भी हो सकता है ना। तो ये हमेशा याद रखिए कि जो सोर्स आवेश होता है वो अधिक मात्रा में होगा। सॉरी दोस्तों थोड़ा सा लाइट ऑफ हो गया है, फिर भी मैं पढ़ा देता हूं। यहां पर देखिए ये हमारा परीक्षण आवेश है, तो याद रखिए परीक्षण आवेश को हमेशा अल्प मात्रा में ही होना चाहिए। ध्यान दीजिएगा जो सोर्स आवेश है वो अल्प भी हो सकता है और अधिक तो हो सकता है, लेकिन ये जो है अल्प ही होगा। मतलब ये कहा जाए, चलो जैसे मुझे समुद्र के पानी का प्रैक्टिकल करना है, परीक्षण करना है, तो क्या मैं पूरे समुद्र के पानी का पूरा परीक्षण करूंगा, नहीं, वहां से मैं क्या करूंगा, एक गिलास पानी निकालूंगा और उस एक गिलास पानी का ही मैं क्या करूंगा, परीक्षण करूंगा। कहने का मतलब क्या है, परीक्षण आवेश हमेशा अल्प मात्रा में होता है। इनको हमेशा याद रखिए क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है, तो ये हमेशा याद रखिए। ये जो टेस्ट चार्ज होता है, ध्यान दीजिएगा जो टेस्ट चार्ज होगा वो हमेशा क्या होगा, ये अल्प मात्रा में ही होता है, कम मात्रा में होता है, और जो सोर्स चार्ज होगा ये हमेशा क्या होता है, अधिक मात्रा में होता है। हालांकि ये अल्प मात्रा में भी हो सकता है, लेकिन परीक्षण आवेश जो है अल्प मात्रा में ही होता है। तो इस प्रकार हमने देखा
कि विद्युत क्षेत्र के लिए दो आवेश की आवश्यकता होती है ना, एक परीक्षण आवेश जो बल का अनुभव करेगा और वो आवेश जो क्या करता है विद्युत क्षेत्र का निर्माण करता है। अब इसके आधार पर ही हमने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को परिभाषित किया। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपको बहुत आसानी से समझ आया होगा। तो दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके अवश्य बताइएगा और इस वीडियो को अधिक से अधिक बच्चों तक शेयर कीजिएगा दोस्तों। तब तक के लिए धन्यवाद।